हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। आज के वीडियो में एक होममेड ऑइंटमेंट, एक ऐसा मलहम जो हर तरह के घावों को भरने में बहुत अच्छा काम करेगा, स्किन इन्फेक्शन को दूर करने में काम करेगा, फंगल इन्फेक्शन दूर करेगा। इसे बनाना कैसे है और किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो ऐसी सेहतमंद जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे नई नई सेहतमंद जानकारियां आप तक पहुँचती रहें। एक ऐसा ऑइंटमेंट जो घाव को हील करने का काम करेगा, जो स्किन के इन्फेक्शन को दूर करेगा, फंगल इन्फेक्शन दूर करेगा, डैंड्रफ दूर करेगा, फोड़े फंसी दूर करेगा, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये ऑइंटमेंट आपको बनाना कैसे है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ दो चीज़ें, जिसका इस्तेमाल करके आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइए, जानते हैं कैसे बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए नीम के पत्ते, नीम के कम से कम 40 से 50 पत्ते आपको चाहिए, और देशी गाय का घी आधा किलो। नीम के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल क्वालिटी होती है, जो हर तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत असरकारक है। गाय के घी के ढेरों फायदों के ऊपर एक वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे आप देख सकते हैं। और नीम के ऊपर वीडियोस की एक सीरीज़ है, जिसमें बालों पर इसके फ़ायदे, स्किन पर फ़ायदे और हमारी बॉडी पर नीम के फ़ायदे, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर आप वो देखना चाहें तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये मलहम को बनाना कैसे है, नीम के पत्तों को लेकर के अच्छी तरह धो लीजिए, और उसके बाद उससे पानी निकल जाए तो उसे गाय के घी में डालकर उसे आग पर पकाना है। गाय के घी में डालकर इन नीम के पत्तों को धीमी आंच पर पकाइए, जिससे ये जले ना। इसे हल्के हल्के चलाते रहिए, धीमी आंच पर इन्हें तब तक पकाना है जब तक ये पत्ते पूरी तरह काले ना पड़ जाएं। जब ये काले हो जाएंगे, उसका पूरा असर आ जाएगा, तो फिर इसे आग से उतार कर रख लीजिए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, तब इसे अच्छी तरह पत्तों को इसमें मैश कर लीजिए, और उसके बाद इसे पीस लीजिए। पीस करके इसे किसी कांच के बर्तन पर रख लीजिए। इस मलहम का इस्तेमाल आप किसी भी पुराने से पुराने घाव को ठीक करने में कर सकते हैं। इसके लिए इसे हर दिन दो बार लगाना है। इस प्रकार लगाते रहने से घाव जल्दी से जल्दी ठीक होते हैं। इस मलहम को लगाने के पहले अगर नीम के पानी से इन घावों को धोया जाए, या स्किन पर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है उसे दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी नीम के पानी से उसे धो करके सुखाकर उसके बाद अगर इस मलहम का इस्तेमाल कर ला जाए, तो ये और भी ज़्यादा असरकारक होता है। नीम के पानी को कैसे बनाना है, इसके लिए दो मुट्ठी नीम के पत्तों को आधा लीटर पानी में डाल करके 10 से 15 मिनट तक बॉयल कर लीजिए। इस प्रकार बॉयल पानी को गुनगुना रहने पर छान लीजिए और कॉटन को इसमें भिगा करके इसकी हेल्प से आप घावों को धो लीजिए। घावों को सुखाकर इस पर नीम वाले घी का लेप करना है। कर दिन में दो बार करने से किसी भी तरह के घाव जल्दी से जल्दी सूखते हैं, और त्वचा में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो वो भी दूर होता है। इस नीम वाले पानी से सर धोने से सर पे होने वाले फंगल इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है, सर के फोड़े फुंसी को ठीक किया जा सकता है, और सर में होने वाले डैंड्रफ को भी ठीक किया जा सकता है। सर में अगर जुए हैं तो वो भी इससे दूर हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस मलहम को बना करके, इसका इस्तेमाल करके, नीम के पानी को बनाकर उसका इस्तेमाल करके घावों को जल्दी से जल्दी हील किया जा सकता है और स्किन के इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो इस प्रकार मलहम को बनाकर इसका इस्तेमाल करिए। और वीडियो की जानकारी अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और लोगों के फ़ायदे के लिए उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी स्वास्थ्य से जुड़ी नई नई जानकारियाँ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।